तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आप सब लोगों का टेमिंग टीवी पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टेक मिथ सीरीज़ के एपिसोड 1 की। तो थोड़े सालों पहले एक खबर फैली थी कि किसी आईफोन यूज़र का फ़ोन ब्लास्ट हो गया था, वो भी तब जब वो अपने फ़ोन का यूज़ कर रहा था चार्जिंग के वक्त। तो उसके बाद सबके मन में एक डर बैठ गया कि चार्जिंग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये ब्लास्ट हो जाएगा या फिर कुछ भी इसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पार्ट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, बैटरी फट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि आप जब अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं चार्जिंग के वक्त, तो आपका फ़ोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है या हीट अप हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है, आप बिना चार्जिंग के भी अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तब भी आपका फ़ोन हीट अप होता है। तो इससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान ये हो सकता है कि आपकी चार्जिंग की स्पीड स्लो हो जाएगी इससे, कि अगर आप चार्जिंग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ध्यान ये रखना है कि आप किसी थर्ड पार्टी चार्जर का इस्तेमाल ना कर रहे हो या फिर किसी सस्ते चार्जर का इस्तेमाल ना कर रहे हो, अपने मोबाइल के चार्जर, मतलब जो मोबाइल के साथ आया था, या फिर किसी सर्टिफाइड कंपनी के चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई थर्ड पार्टी चार्जर है तो इससे पक्का आपको नुकसान होगा। और हाँ, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर थर्ड पार्टी चार्जर बुरा नहीं होता है। कि आपका फ़ोन सैमसंग का है और आप MI के चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो आपका फ़ोन नहीं पटेगा, क्योंकि MI के चार्जर्स भी सर्टिफाइड आते हैं। तो थर्ड पार्टी चार्जर यानी कि जो सस्ते हैं, जो फिर एरी गरी कंपनी बनाती रहती है, उन चार्जर के इस्तेमाल से अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो आपका फ़ोन पक्का फटेगा। फटेगा मतलब थोड़े देर आप उसको चार्ज में लगा रखा है और आपको इस्तेमाल करते जा रहे हो तो आपके फ़ोन को उससे पक्का नुकसान हो। और अगर आप अपने फ़ोन को पावर बैंक या फिर कंप्यूटर या फिर किसी और चीज़ से चार्ज कर रहे हैं तो उसमें आपको खास तौर से ये ध्यान रखना होगा कि आपकी चार्जिंग केबल किसी कंपनी की हो या फिर अच्छी चार्जिंग केबल हो जो कि ज़्यादा पावर ना खींचती हो और आपके फ़ोन को नुकसान ना पहुँचाती हो। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी आईफोन यूज़र का फ़ोन फट गया था चार्जिंग के वक्त, तो उसकी सच बात ये थी कि उसने अपने फ़ोन को किसी थर्ड पार्टी चार्जर से कनेक्ट कर रखा था और उसका यूज़ किया जा रहा था, और इसी वजह से उसके फ़ोन के वायरिंग में दिक्कत हो गई थी और उसका फ़ोन फट गया था। ना कि ये हुआ था कि चार्जिंग के वक्त फ़ोन फटा ही था, तो सबके मन में ये डर बैठ गया था कि अगर हम चार्ज करेंगे ही तो फ़ोन फटेगा। इसका मतलब ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन माई पर्सनल एडवाइस यही है कि आप अपने चार्जिंग के वक्त अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना ही करें तो आपका मोबाइल बेहतर यूज़ होगा। आगे जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो आप चार्जिंग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक रहेगा। और एक चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में ओवर हीटिंग ना हो रही हो। इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने ही मतलब किसी कंपनी के चार्जर को इस्तेमाल करके भी चार्ज कर रहे हैं और वो ओवर हीटिंग हो रही है तो तुरंत बंद कर दीजिए, वरना कोई कंपनी कोई चार्जर इसके आगे नहीं आएगा आपके फ़ोन ब्लास्ट होने के। आपका फ़ोन जब ब्लास्ट होगा तो कोई इसके आगे नहीं आएगा, फ़ोन ब्लास्ट होगा ही अगर ओवर हीटिंग हो रही हो। और ये भी ध्यान रखना हो कि आपके चार्जर में मतलब चार्जर कोई टूटा फूटा ना हो या फिर केबल कोई टूटी फूटी ना हो, इससे भी आपका फ़ोन ओवर हीट हो सकता है और आपका फ़ोन फट सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको काम करेगी। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि चार्जिंग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, थोड़ी देर तो यार मोबाइल को भी रेस्ट दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लीव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।